तो चाचू जी ये बताइए कि इतना दर्द क्यों होता था आपको? हाँ जैसे कि बाबा शहीद हो गए थी तो दर्द बहुत होता। हाँ वो हॉस्पिटल पहुंचा हाँ तो उन्होंने इतना बड़ा सा बम्बू लिया, अच्छा मैं दे दिया। पोटी तो नहीं होती थी, खून आता था, लाल ही लाल आता था। मैंने बोला यार बकरा ही तोड़ जीविका। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके लिए एक खुशखबरी है, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि आप लोग हमसे यही पूछते थे कि चाचा आपकी वीडियो में क्यों नहीं आते और चाचू जी वीडियो क्यों नहीं बनाते। तो आज आपको पता लगेगा कि चाचू जी हमारी वीडियो में क्यों नहीं आते थे और क्यों वीडियो नहीं बनाते थे। और आज हमारे साथ आया चाचू जी, तो चाचू जी पहले आप इधर आइए और बताइए कि आप वीडियो में क्यों नहीं आते थे। मेरी कुछ तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं 6-7 महीने तक आ नहीं सका हूँ। मेरे को उठा नहीं जा रहा था, शरीर मजबूत नहीं हो रहा था। मेरे परिवार वालों ने लिया और उधर चंबा हॉस्पिटल लेके गए, 22 दिन उधर रहा। तो मैंने पूछा डॉक्टर को, डॉक्टर ही मेरे को तकलीफ क्या है, आप बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला भाई आपको बवासीर है। उन्होंने 22 दिन रखा और मेरे को डॉक्टर जब रोंद पर आए तो उन्होंने बोला भाई आपकी तबीयत कैसी है? तो मैंने बोला ज्यों कर ज्यों दिन भर दिन जो बढ़ती जा रही है। तो उन्होंने लिया और रेफर कर दिया, शिमला हॉस्पिटल को भेज दिया IGMC। तो उन्होंने 21 दिन उन्होंने रखा। और जब भी मैं आज 10 दिन के बाद घर पे आया तो बड़ी याद आ रही थी, बोले चलो ब्लॉग बना रहे, 6-7 महीने हो गए तो आज बना ही लेता हूँ। तो दोस्तों आपको पता लग ही गया होगा कि हमारे चाचू जी की कुछ इस तरह से थी कहानी। तो चाचू जी ये बताइए, जब आपको बवासीर हुई तो बैठने में क्या तंगी आती थी? बैठने में बहुत तंगी आती थी, ऐसे जैसे कि मैं ऐसे बैठ नहीं सकता था। ऐसे क्यों बैठना, ऐसे बैठते? ऐसे बैठ नहीं सकता था, जैसे कि मैंने जैसे कि कुर्सी पे बैठा तो तभी दर्द। तो चाचू जी ये बताइए कि इतना दर्द क्यों होता था आपको? दर्द जैसे कि बाबा शीर हो गई थी तो दर्द बहुत होता। हाँ वो तो है। जब हॉस्पिटल पहुंचा हाँ। तो उन्होंने इतना बड़ा सा बम्बू लिया, अच्छा। मैं दे दिया। मेरे को दर्द तो बहुत हुआ, मैंने बोला यार दर्द हटा रहे हैं कि बढ़ा रहे हैं? तो बम्बू से जब निकाला तो मेरे को दर्द बहुत ज्यादा, अभी भी दवाइयां खा रहा हूँ तो बम्बू की दर्द होती। अब बैठने में कैसी, अब बैठ जाते हो कि अभी भी तकलीफ ही होती है? अब तो सुकून मिल रहा है, जैसे कि बैठ भी सकता हूँ, उठ भी सकता हूँ, प्रैक्टिस भी कर सकता हूँ, अच्छा। लात भी मार सकता हूँ, जैसे कि ऐसे ऐसे भी कर सकता हूँ, दौड़ भी लगा सकता हूँ। वैसे फिर बम्बू का प्रयोग किया? उन्होंने बम्बू का किया, जब बीमारी उनके पच्चा नहीं आ रहे थे तो उन्होंने तो बम्बू लगाना था, वो लगा दिया मेरे को। बम्बू लगाते कैसी फीलिंग आ रही थी? बड़ा हरामी हो बेटा। फीलिंग वैसे आ रही थी जैसे कि पिछली वीडियो में मेरे को लड़की ने प्रपोज किया था। कैसी फीलिंग बताओ थोड़ी, की कैसी फीलिंग आ रही थी? जैसे कि बम्बू लगाने के बाद मेरे को दर्द हो रही थी ना, तभी उन्होंने बम्बू लगा दिया। फिर जब भी मैंने बम्बू उन्होंने निकाला तो दर्द तो कम हो गई। मैं दवाइयां भी खा रहा हूँ, नहीं आ रहा है तो ये अभी भी रखी हुई है जेब में, रखी हुई है। और फिर पोटी करने में कैसा रहा बम्बू देने के बाद? ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। पोटी करने में वैसे कि जैसे कि पोटी तो नहीं होती थी, खून आता था, लाल ही लाल आता था। मैंने बोला यार बकरा ही तोड़ दी बुखार। बकरा? हाँ बकरा, जैसे कि बकरे को काटते हैं ना हाँ? वैसे खून लाल ही आ रहा था। मैंने सोचा मैं यार 4 दिन का मेहमान हूँ, क्या पता भगवान को भी अलविदा नहीं हो जाए। मतलब बम्बू नुकीला था। शर्म करो, भगवान से डरो नहीं। ऐसा लग, वो तो मुझे नहीं पता, बम्बू बम्बू बोल रहे थे डॉक्टर, बम्बू देना है निकालना है, देना है निकालना है। वो क्यों निकाल रहे थे, क्यों दे रहे थे? खुजली भी हो रही थी लेकिन दर्द बहुत ज्यादा हो रही थी ना, क्या करें।
चलो चाची लास्ट में ये आप बता दो कि आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन्हें अभी बवासीर नहीं है, उनके लिए आप कोई सलाह दे दो कि ये काम ना करे वरना फिर। मैं तो ये बोलता हूँ शराब से दूर रहो, जैसे कि शराब तो बिल्कुल पियो मत, मिर्चा खाओ मत, माँ दी दाल खाओ मत, और मीट मूट जो है मटन और चिकन उसे खाओ मत, जैसे कि थोड़ा काम खाओ लेकिन खाओ जरूर लेकिन काम खाओ, लेकिन जब भी ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बम्बू चल जाएगा। मैं तो इस बम्बू से डरता हूँ और बाबा सीर से ऑपरेशन के लिए डरता हूँ, भगवान चाहे तो किसी को बाबा सीर नहीं हो और किसी के बम्बू नहीं जाए और किसी को इस ऑपरेशन नहीं हो, मैं तो यही चाहता हूँ। तो दोस्तों हमारे चैनल में हमारे चाचू जी की वापसी हो चुकी है, ये आपके लिए एक खुशखबरी है। और चाचू जी अब आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे जो फैन बने हुए थे वो परेशान हो चुके थे, बोलते थे भाई वो आपकी वीडियो फिर से देखेंगे फिर से फैन बन जाएंगे, फिर से देखेंगे तो फिर से फैन हो जाएंगे, जे नीनी चाचू जी वापस आ गए वीडियो में तो उनको भी फील बहुत बढ़िया हो जाएगी, खुशहाली हो जाएगी उनके दिल में। और मैं अपनी वीडियो जो बनाता हूँ तो शौक तौर पे बनाता हूँ और अपनी मर्जी से बनाता हूँ, और कहीं जलते हैं तो नहीं। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि आप इनकी वजह से वीडियो बनाते हो, ऐसा बोलते बोल रहे थे ना पहले। हाँ, तो आप उनको बताओ कि मैं अपनी मर्जी से बना कि हम बनाते हैं आपके ऊपर दबाव कि आप वीडियो बनाओ ही बनाओ, ऐसा बोलो, आप अपनी मर्जी से बोलते हो ना? नहीं नहीं, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी करता हूँ, मैं अपने दिमाग से करता हूँ, अपनी मर्जी से करता हूँ, लेकिन जो बोलते हैं वो घटिया सी बात बोल देते हैं, वो उनको दिमाग नहीं है, मेरे को दिमाग है, लेकिन वो बोलने में और करने में मेरे को तो जमीन आसमान का फर्क है। मैं अपनी मर्जी से बनाता हूँ, मेरे को संतुष्टि है जो मैं बनाता रहूंगा, और अपने फैन जो है वो उनको अपने बनाता रहूंगा, ये मैंने बनानी है शौक तौर पे। जो वीडियो देखने वाले हैं वो देखे, और मेरे बड़े से फैन बन चुके हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी करवा दो यार भाई। इस चैनल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और चाचू जी की एंट्री हो चुकी है इस बात पर, इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है ना चाचू जी? बनता है। और चैनल पर अगर नए हो तो जल्दी से चैनल को क्या करना है चाचू? सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम। राम राम। हीमोहाइड चूर्ण बवासीर के दर्द, जलन, सूजन और ब्लीडिंग में करे तुरंत असर, अंदर और बाहर के मस से भी खत्म। हीमोहाइड आयुर्वेदिक चूर्ण अपनाइए, बवासीर से मुक्ति पाइए। अभी ऑर्डर करें 9613151315।